तद्दस्य दर्शय फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके तुम बिना भोजन पवाए व्रत खोल के बैठ गया, अभी इसका फल चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दी, कृत्या पैदा हुई, राजा को खाने चली तो तुरंत सुदर्शन प्रकट हो गया, एक झटके में कृत्या को भस्म कर दिया। और धीरे धीरे दुर्वासा जी की ओर बढ़ा सुदर्शन, तो सुदर्शन के दर्शन करते ही दुर्वासा मुनि प्राण बचा के भागे, ये नहीं छोड़ेगा हमको, आगे दुर्वासा पीछे सुदर्शन। ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े पहुंचे, हे विधाता रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, काय किसका भय है, किससे रक्षा चाहते हो? बोले, ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी भाग, नहीं तो तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, सुदर्शन से कौन बचा सकता है। तो भोले बाबा के पास गए, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। काय से? बोले, सुदर्शन से। भोले बाबा ने कहा, जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो, वो ही ठीक करेंगे। तमेव शरणम याही हरि शमते विधास्यति। तब भगवान नारायण की शरण ग्रहण करी। हे नारायण, आप तो ब्रह्मण्य देव हो, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो आज। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान बोले, दुर्वासा जी हमें माफ करो, आज हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, आखिर हम भी पराधीन हैं। तो हैरान हो गए। दुर्वासा जी बोले, आप कह रहे हो कि मैं पराधीन हूं, आपको किसने अपने अधीन कर लिया? तो भगवान पारतंत्र स्वीकार करते हुए कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिय साधवो हृदयं महियं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनादपि। अद्भुत वैष्णवों की महिमा भगवान ने अपने श्री मुख से गाई यहां पर, कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं सर्वथा। और प्रभु, इन भक्तों ने आपको अपने अधीन बना कैसे लिया? भगवान बोले, ऐसे समझ लो जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो ससुराल में जब जाती है तो डरी डरी सहमी सहमी सी, सिकुड़ी हुई सी, कि न जाने कैसा परिवार मिलेगा, न जाने कैसे पति होंगे, न जाने कैसे सास ससुर होंगे, तो घबराई हुई सी ससुराल में कदम रखती है। पर धीरे धीरे जब सबकी रुचि, सबके स्वभाव और वातावरण को समझ लेती है, तो सेवा में जब जुट जाती है, समर्पित हो जाती है, सबका हृदय जीत लेती है, तो एक दिन फिर वो आता है कि पतदेव घर में डरे डरे से घुसते हैं कि आज न जाने कितना सुनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे राधे। तो जो डरी डरी पराए घर में आई थी, पर आत्मसमर्पण और सेवा के बल पर मालकिन बन गई उस घर की, अब पतदेव को डरे डरे से घर में आना पड़ता है, उसका चलावा चलता है। यही दृष्टांत भगवान दे रहे। बसी कुरुबंती माम भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिम यथा। तो जैसे सदाचारिणी पतिव्रता सेवा समर्पण के बल पर पति को वश में कर लेती है, ऐसे सर्वस्व समर्पण करके इन भक्तों ने मुझे जगतपति को अपने वश में कर लिया है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहु। मैं सारी दुनिया को नचाता हूं और ये भक्त मेरे को नचाते। छचियां बर छाँच पे नाच नचावे। तो भगवान भक्तों के सर्वथा बस में हो जाते हैं। इसलिए दुर्वासा जी से कहा, तुम अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्त के पास जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। एक वर्ष हो चुका था दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते, अंत में वापिस अम्बरीश के चरणों में जाके गिरना पड़ा। जैसी चरणों में गिरे, अम्बरीश महाराज मेरी रक्षा करो, अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अरे महाराज ऐसा उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं दास अपराधी हूं आपका। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ावे महाराज अम्बरीश। दुर्वासा जी बोले, और बातें फुर्सत में होती रहेंगी भैया, पहले ये सुदर्शन को शांत कर, एक साल से पीछे पड़ा है। तब अम्बरीश महाराज ने भगवान के प्रेम की शपथ सुदर्शन को दी, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणान्।
आश्रयः सर्वभूतात्मभावेन दुजो भवतु विज्वरः। यदि मैंने सच्चे मन से प्रभु से प्रीति की हो, मेरी प्रीति निष्कपट और निश्चल हो, तो उस प्रेम की सौगंध है कि सुदर्शन तुम इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। तब जाके सुदर्शन शांत हुए, कान पकड़ के दुर्वासा जी बोले, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैं भली भांत जान गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं अम्बरीश के वंश में आगे चल के राजा युवनाश हुए। युवनाश के भी कोई संतान नहीं, इन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अब यज्ञ लगभग पूरा होने को आया तो रात के 12 बजे राजा को बड़ी जोड़ की प्यास लगी। ब्राह्मण तो सो रहे थे, घर्राटे बजा रहे थे, दास दासी कोई थे नहीं, तो कहां से पानी किससे मांगे, कोई नहीं मिला तो यज्ञशाला का घड़ा उठा के पूरा पानी पी गए, पानी और कहीं देखा नहीं। सवेरा हुआ, यज्ञाचार्य जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, घड़ा देखा तो खाली पड़ा। अरे ये घड़ा खाली कैसे पड़ा, जल कहाँ गया इसका? राजा ने कहा, नाराज मत होना महाराज, मेरे को रात में प्यास लगी, सो अपने राम पी गए। अरे राम राम राम, अनर्थ कर दिया आपने। अरे तो क्या हो गया महाराज, पानी तो था और भर लो। बोले ऐसे कैसे भर लें, इतने दिनों से हम कितने मंत्र पढ़ पढ़ करके इस घड़े में जल डाल रहे थे ताकि वो मंत्राभिषिक्त जल को पी करके रानी गर्भवती होंगी, तो जो जल रानी को पीना चाहिए था वो गलती से राजा पी गए। सुन के राजा घबरा गए, महाराज तो अब क्या होगा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र हमारा बेकार नहीं होगा। परिणाम यह हुआ कि 9 महीने की छुट्टी राजा साहब की ही हो गई। बोलो राधे राधे। अब तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। तब ऋषियों ने जैसे तैसे 9 माह के बाद ऑपरेशन करके बाई कुक्षी का भेदन करके शल्य चिकित्सा के द्वारा, देखो ऑपरेशन की विधा भी भागवत में वर्णन है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा ब्राह्मणों ने ऋषियों ने मिलकर के राजा के उदर से बालक का जन्म कराया और राजा के भी प्राणों को बचाया और बच्चे का भी जन्म कराया। जच्चा बच्चा दोनों अच्छा, दोनों बच गए महाराज। अब राजा भी बच गए और बच्चे के भी प्राण बच गए, तो दूसरी समस्या खड़ी होगी, बच्चा पैदा होते माँ का दूध पीता है, अब बच्चा रोता जा पैदा होते तो अब इसका लालन पालन कैसे हो गए, बाबूजी इनका भरण पोषण कैसे करेंगे, दूसरी समस्या आ गई। तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए इस कौतुक को देखकर और उन्होंने बच्चे के मुख में अंगुली देते हुए कहा, माम धाता वत् समारोदी, बेटा मत रोना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा मान धाता। ये बड़ा शक्तिशाली सम्राट बना मान धाता। इन्हीं की 50 बेटियां सौबरी मुनि को ब्याही। सौबरी मुनि कहते थे, हम दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, सुजमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते थे, तप करते थे, और माया तो बड़ी बलवती है। एक दिन आंख खुल गई, वो आंख खुलते ही देखा मछली और मत्स्य आपस में मिल रहे हैं, उनके मैथुन को देख करके बाबा जी के मन में भी विवाह की इच्छा बलवती हो गई, तुरंत निकल के बाहर आ गए। अब बड़ी इच्छा विवाह करने की, परंतु अब शरीर पानी में इतने दिन रहा कि शरीर ही गल गया और बाबा इतनी उम्र के हो गए कि आंखों की पलक के नीचे तक लटक गई, किसी को देखते हैं तो पलक उठा के यूं देखते हैं, यह हालत शरीर की, अंगम गलितम बलितम मुंडम। पहुंच गए राजा के दरबार में मानधाता जी के पास। राजा ने देखा, अरे तपस्वी सौभरी आ रहे हैं, दौड़ के दंडवत किया, आइए महाराज, हो भाग्य हमारे, कहिए कैसे आगमन हुआ। बोले राजन, सुना है तुम्हारी 50 बेटियां हैं। हाँ महाराज बिल्कुल है, तो हमारा मन है कि एक का हमसे विवाह कर दो। अब राजा को तो जैसे बिजली गिर गई, ये बुढ़े बाबा राजकुमारी से विवाह की बात कर रहे हैं, जिसका विवाह करूंगा जिंदगी भर बेटी हमको गाली देगी, नहीं करूंगा तो ये महात्मा खतरनाक हैं, भगवान जाने का साफ दे दे। तो टालते हुए राजा ने कहा, माफ करना महाराज, मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे यहाँ तो परंपरा स्वयंवर की है, बिटिया अपना वर स्वयं ही चुनती है, हम अंतःपुर में पधारे, जो राजकुमारी आपको पसंद कर लेगी शादी में कर दूंगा।
राजा ने सोचा ना कोई पसंद करेगी ना हमको, मना करना पड़ेगा, बात अपने आप टल जाएगी। तो पक्का रहा ठीक है हम चलते हैं, कोई पसंद कर लेगी तो शादी कर लेंगे। अब जब भीतर गए तो राज महात्मा विचार करने लगे, इस शकल पर तो कोई रीझने वाली नहीं, तो करें क्या। तो तपस्या से संकल्प लिया और संकल्प करते ही कामदेव को भी लज्जित करने वाला नव यौवन रूप प्रकट कर दिया। ये तपस्या का चमत्कार। और जब भीतर प्रवेश किया तो सारी राजकुमारियों में झगड़ा छिड़ गया। वो कहती है कि मैं इनसे विवाह करूंगी, मेरी इनकी जोड़ी बहुत जोरदार जमेगी। दूसरी कहती है तुझे शर्म है थोड़ी बहुत, तेरी बड़ी बहन खड़ी है और शादी तू करेगी, पहले मेरा तो विवाह होने दे। झगड़ा हो गया। महात्मा बोले झगड़ने की जरूरत नहीं, 50 चलो हमारे साथ। तो 50 को साथ में लेके बाबा चले गए। राजा की खोपड़ी खराब, महात्मा 50 को ही साथ में लेके चले गए। बेटियों से मिलने गए, बेटी कैसी हो, बोले पिताजी सब आनंद है, बस एक ही कमी है। क्या, बोले मेरे पति मुझे छोड़ के एक मिनट को भी बाहर नहीं जाते, तो अन्य जो बहनों ने इनसे विवाह किया है वो बड़ी दुखी रहती होंगी, मैं उनके साथ बहुत अन्याय कर रही हूँ। अरे राम राम, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरी बिटिया से मिले, बेटी क्या हाल है तुम्हारा, बोले पिताजी बिल्कुल आनंद से हूँ, बस एक ही कष्ट है मेरे पति मुझे छोड़ के एक मिनट को नहीं जाते। 50 ने एक ही जवाब दिया। राजा का तो माथा चकरा गया, आगे बारे महात्मा 50 बना के 50 के साथ रह रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बाद में 5,000 बच्चे पैदा हो गए 50 से। तब होश आया, अरे राम राम, हम कहते थे दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भजन करेंगे, और देखो माया की शक्ति उठा के कैसा पटका कि 1 से 5,000 का परिवार हो गया। तो छोड़ झाड़ करके बाबा जी फिर जमुना जी में भीतर घुस के भजन करने लग गए। उसी को कहते हैं सुनरख, वृंदावन के पास सुनरख है ना, इसे सौभरी मुनि का ही गांव है। तो भगवान दिखाना चाहते हैं माया की प्रबलता, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्याया। मायापति की कृपा से ही बचा जा सकता है, कोई अपने बल से बचना चाहे तो माया बड़ों बड़ों को उठा के पटक देती है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। इस प्रकार से चरित्र सुनाए और कहते हैं अब इसी मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की एक रानी के 60,000 बच्चे हुए। परंतु कपिल भगवान का अपमान करने के कारण उनकी दृष्टि से सब भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, इन सभी ने तपस्या करी। तब माँ भागीरथी गंगा प्रकट भई, शिव जी की जटाओं में आई, शिव जी की जटाओं से भगीरथ उन्हें आगे आगे चल करके लाए, और जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी उसका जैसे ही गंगा जी से स्पर्श करवाए तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा एवं जगमु केवलम देह भस्म। केवल देह की भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सभी को ब्रह्म दंड से मुक्त कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। ऐसे गंगा अवतरण की कथा सुनाई। भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग जो एक मुहूर्त में मुक्त हो गए, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु से रघुवंश चला, और रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोलो अयोध्या नाथ की जय। अब एक श्लोक में राम कहानी सुखदेव जी सुना रहे। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु बनम पद्म पद भ्यां पाणिस्पर साक्षमाभ्याम रजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम दैरूप्या सूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा लोक
विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध से तुखलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान। कैसे हैं हमारे राम जी? एक श्लोक की राम कहानी संकेत में सुन लीजिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र प्रभु जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या का विशाल साम्राज्य मुस्कुराते हुए त्याग कर वन को चले गए। जबकि अयोध्या का वैभव त्यागना कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा है अयोध्या का साम्राज्य जिसे देखकर देवताओं का भी मन ललचाता था। सुरेपसित राज्य लक्ष्मी, देवता भी इस राज्य लक्ष्मी की अभिलाषा रखते थे।